हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वास किचन सीक्रेट। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो। चिरौटे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं मेजरमेंट कप से एक कप मैदा लूँगी और इसको मैं बर्तन में डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी 2 चम्मच घी। तो एक कप मैदा में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है घी लिया, इसको भी मैं मैदा में डाल दूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि मैदे और घी को बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है। तो मैं यहाँ पे मिला रही हूँ कि जो घी है वो मैदे में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिला दिया है, इस तरीके से आपको मिलाना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी लिया है, नॉर्मल पानी है। मेजरमेंट कप से मैंने 1 कप पानी लिया है और यहाँ पे हमें मैदे को गूंथना है। तो यहाँ पे जो मैदा है वो कड़ा होना चाहिए, जैसे आप पूरी के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही मैदा होना चाहिए, कड़ा गूंथना है। और एक बार में आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर पानी एक साथ ज़्यादा नहीं लूँगी, हल्का हल्का पानी डालूँगी और इसे जो है मैं मैदे को गूंथ लूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं पहले से मैंने मैदा को अच्छे तरीके से गूंथ लिया है और इसे कड़ा हमें गूंथना है और उसके बाद ढक कर इसे 20 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैंने गूंथ लिया और इसे ढक के 20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये 2 चम्मच जो है घी है और यहाँ पे ये मैंने मैदा लिया है। तो यहाँ पे 2 चम्मच घी में 2 चम्मच मैदा लेना है, मतलब कि जितना चम्मच आप घी लेंगे उतना चम्मच ही मैदा का लेना है हमें। तो हमें यहाँ पे घी और मैदे का पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी और 2 चम्मच मैदा लिया है। तो मैं सबसे पहले 1 चम्मच मैंने मैदा डाला है, इसको मैं मिला लूँगी घी में और उसके बाद 1 चम्मच और जो है मैदा डालूँगी मैं, और बाकी का मैदा मैं बचा के रखूँगी, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी क्या करना है। उसके बाद मैं फिर से इसको मिला लूँगी। इस तरीके से पेस्ट बनाना है हमको, इस तरीके का पेस्ट बन जाना चाहिए, लम्स नहीं रहने चाहिए। तो घी और मैदे का जो पेस्ट है बन गया। तो 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का इस तरीके का पेड़ा बना लूँगी। तो मैंने यहाँ 3-3 करके बनाया है और इस तरीके से हमें गोल करना है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने बना दिया और उसके बाद क्या करना है, ये जो मैंने हमें मैदा बचा करके रखा था ना, वो हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेलूँगी रोटी साइज की, इस तरीके से बेलना है हमें, पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलना है। तो इस तरीके से बेल के और इसको साइड में मैं रख दूँगी। उसके बाद दोबारा से मैं एक बार फिर से बेलूँगी। यहाँ पर हमें 3 लेयर बनानी है, तो यहाँ पर मैं ये दूसरा जो है बेल रही हूँ मैदे को, हल्का सा मैदा इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको बेल देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा लेयर जो है वो रेडी हो गया, ये देखिए ये रेडी हो चुका है। और उसके बाद हम फिर से तीसरा लेयर बनाएंगे, तो हमें 3 लेयर बनानी है। तो ये जो तीसरा जो है ये हम इसके ऊपर फिर से मैदा छिड़क देंगे, सेम वैसे ही हमें बेलना है। तो इसको भी मैं बेल लूँगी। और उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने मैदा और घी का पेस्ट बनाया था वो हमें इसके ऊपर जो है चारों तरफ से स्प्रेड कर देना है, इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद ये जो हमने लेयर बनाई थी ना, वो हम एक एक करके इसके लेयर जो है रखते जाएंगे। तो ये जो दूसरा लेयर है वो हम रख देंगे और क्या करना है, इसको मिला देना है पहले वाले लेयर से, दूसरे लेयर को मिला देना है, इस तरीके से आपको बिल्कुल करना है। और उसके बाद फिर से उसके बाद हमें ये पेस्ट जो है लेयर के ऊपर लगा देना है, तरीके से आपको लगाना है घी और मैदे का। और उसके बाद ये जो लास्ट हमारा जो लेयर है वो हमें लगा देना है और इसको मिला देना है बाकी लेयर के साथ। और इसके बाद फिर से इसके ऊपर से जो है हमें ये जो पेस्ट जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर देना है। तो ऐसे हमें लेयर बनानी है, 3 लेयर। और उसके बाद हमें इस तरीके से रोल कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको रोल करना है। हमने यहाँ पे रोल कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कट करना है। इससे क्या होगा, बहुत सारे पीसेस जो हैं बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नाइफ से कट करना है। और हमने लेयर इसलिए बनाया, इससे क्या होगा कि जब आप फ्राई करेंगे ना तो वो जो डिज़ाइन है वो बन के दिखे आएगा, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर ली और बहुत सारे पीसेस जो हैं रेडी हो गए इस तरीके से। और उसके बाद
मैं इसे साइड में रख दूंगी और एक एक करके इसे बेलूंगी। तो इसको मैंने प्लेट में रख दिए बाकी सबको। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो मैदा हमने बचा के रखा था वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैदा जो हल्का सा लगा लेना है और उसके बाद ये जो एक पीस है वो लेना है और इसे प्रेस करना है, साइड से प्रेस करना है। इसे ये जो डिज़ाइन है ना वो दिखेगी, जो हमने लेयर बनाया है तो वो दिखेगी, इसलिए हमें इसे हल्का सा प्रेस करना है साइड से। और उसके बाद इस तरीके से आपको बेलना है, जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही बेलना है। और ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया। और ऐसे ही मैं एक और बेल के आपको बताऊंगी। ऐसे ही आपको हल्का सा मैदा लगाना है और उसके बाद दूसरा पीस लेना है, प्रेस करना है और हल्का सा साइड में जो है दबाना है और उसके बाद इसे जो है बेल लेना है इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको सारे जो है पीसेस जो है बेलने हैं। तो एक कप मैदा में बिल्कुल बहुत सारे हो जाएंगे आपके, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना जैसे मैं कर रही हूँ। बस आपको ध्यान रखना है जब आप मैदा को गूंथते हैं तो वहाँ पे आपको पानी एक बार में ज़्यादा नहीं डालना, आप हल्का हल्का पानी डालेगा। इससे क्या होगा कि जो मैदा है वो कड़क होगा, गीला नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो पीसेस को बेल लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया है और इसे गर्म कर लिया है अच्छे से। हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमें मीडियम गर्म करना है तेल को। तो हल्का सा आप डाल के इसमें मैदा चेक कर सकते हैं कि तेल जो है कितना गर्म हुआ है। तो आप यहाँ पे घी में भी फ्राई कर सकते हैं और तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो चिरौटे हैं वो डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। जब एक साइड फ्राई हो जाता है उसके बाद मैं इसे टर्न कर दूंगी और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे जो है लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी। तो 2 से 3 मिनट पे लो फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा ना, ये क्रंची बनेगा। तो अभी मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए रखा है लो फ्लेम पे और उसके बाद फिर से मीडियम फ्लेम पे करने के बाद इसे मैं फ्राई करूंगी। तो चिरौटे को फ्राई करने के लिए हमें मीडियम से लो फ्लेम का यूज़ करना है, हाई फ्लेम का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद मैं एक और बैच डालूंगी। ये हमारा पहला बैच रेडी हो गया और अब हम दूसरा बैच डालेंगे। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही चिरौटे डाला है, मीडियम फ्लेम पे किया है और उसके बाद लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। उसके बाद हमारे चिरौटे जो है फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में जो है 1/2 कप जो है चीनी लिया है और उसके बाद 1/4 कप जो है मैं यहाँ पे लूँगी पानी और यहाँ पे मैं चाशनी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे मैं चाशनी को रेडी करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी होममेड इलायची पाउडर और उसके बाद मैं इसे मिला लूँगी अच्छे तरीके से। और चाशनी कैसे पता चलेगा रेडी हो गया, मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, उसके बाद मैं एक कटोरी में ये नॉर्मल पानी लिया है और उसके बाद ये चाशनी को मैं डालूंगी इस पानी में। और आप देख सकते हैं जो चाशनी जो थोड़ी सी जम सी गई है, इसका मतलब जो चाशनी जो है रेडी हो गया। तो मैं इसमें जो चिरौटे जो है वो सारे डाल दूंगी और गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। और आपको यहाँ पे चाशनी को अच्छे तरीके से चिरौटे में मिलाना और ध्यान रखना है कि ये टूटे ना, क्योंकि अब ये बहुत क्रंची होते हैं ना, नाजुक होते हैं तो ये टूट सकते हैं। इसे आप ध्यान से चाशनी को इस चिरौटे में मिलाइएगा और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और क्रंची बना है ये। और आपको बस ध्यान रखना है कि आप इसे जो है टाइट कंटेनर में करके रखिएगा तो ये लॉन्ग टाइम तक क्रंची रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।